हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ की। स्टूडेंट लाइफ हर किसी के लिए आसान नहीं होती, हर किसी को अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और बिना किसी देरी के आज हम वो बताने वाले हैं कि स्टूडेंट कैसे पैसा कमा सकते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में। आज मैं आपको सिर्फ तीन टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि ईजी है स्टूडेंट के लिए, जो कि अपने वो पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो बिजनेस है वो है टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस, क्योंकि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं और आप अपने कॉलेज में बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। सिंपली इसके लिए जो मेन प्रोडक्ट है वो है टी शर्ट, हीट प्रिंटिंग मशीन, सबलिमेशन प्रिंटर और सबलिमेशन पेपर। इसमें जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 हीट प्रेस मशीन में, अराउंड 70,000 प्रिंटर में, और टी शर्ट के लिए अराउंड मैंने 5,000 लिया है, जो आपका टोटल हो जाएगा वो 37,000। इसमें पैकेजिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा है वो इंक्लूडेड नहीं करी है मैंने। लाइक प्रिंटर और हीट प्रेस मशीन तो आपको इजीली मिल जाएंगे, आप वो ऑनलाइन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। पर आपको अपने एरिया में प्लेन टी शर्ट का मैन्युफैक्चरर या कोई होलसेल वाला ढूंढना होगा जहाँ से आप उसे सस्ते में परचेज कर सकें। जब आपके पास ये तीनों आइटम आ जाएंगी तो आपको चाहिए डिज़ाइन जो आप अपनी टी शर्ट पे प्रिंट करेंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन है, या तो आप कोई नीच पकड़ सकते हैं जैसे कि रेसिंग क्लब होगा या फिर कोई गेमिंग को लेके आप उनके कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप फ्री का डिज़ाइन बनाकर सिंपली सभी के लिए सेल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर वहाँ पे भी नहीं सेल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक कदम आगे जाना है तो उसके लिए आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर भी डाल सकते हैं, पर उसके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो शायद स्टूडेंट्स लाइफ में हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इस पॉइंट को मैं साइड में रखूँगा। आप इंस्टाग्राम के थ्रू ज़्यादा सेल कर सकते हैं और अच्छे सेल कर सकते हैं, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स हर कोई स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात करते हैं 37,000 अराउंड जो कॉस्ट है वो भी हर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे दो फ्रेंड्स मिलके भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और आपको हेल्प भी होगी नए नए डिज़ाइन आइडियाज़ में, या फिर उसे कैसे सेल करेंगे, कैसे सेल बढ़ाने के लिए भी। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड आइडिया की तरफ। सेकंड जो आइडिया है, अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, अच्छे कंटेंट लिखना जानते हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए आप एक नीश मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बिजनेस, स्पोर्ट्स, गेम्स या फिर फूड। ब्लॉग के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी के टाइम में बहुत आसान है वेबसाइट बनाना। इसके लिए आपको कोडिंग की सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली होस्टिंगर के साथ जाकर अपना ब्लॉग बना सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको प्लान चूज करना है, जो भी प्लान आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग। आपका बेसिक का पूरा हो जाने के बाद आपको एक नीश की जरूरत है जिसके ऊपर आप ब्लॉग बनाएंगे। इसके भी आपको यूट्यूब पे कई ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिसके सीख कर आप अपने ब्लॉग को और अच्छा बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें पैसा कमाने के लिए कई तरीके हैं, आप गूगल से एड रन करवा सकते हैं अपनी साइट पे। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी साइट के थ्रू आप वहाँ पे एड दे सकते हैं। बस आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आना चाहिए जिससे कि आप ज्यादा पैसा कमा सके। फाइनल जो आइडिया है वो है ट्रेडिंग। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत रिस्की होता है। हाँ, रिस्की होता है, बट अगर कोई भी काम बिना किसी नॉलेज के करोगे तो वो रिस्की ही होता है। सिंपली अगर आप बिना पढ़े एग्जाम देने भी जाओगे तो वो भी रिस्की है, उसमें भी फेल होने का रिस्क होता है। तो सिंपली ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा और सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आज के टाइम में इजीली खुलवा सकते हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक जैसी वेबसाइट के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं या चेकआउट भी कर सकते हैं। जब आपका सारा सेटअप हो जाएगा आपको नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी नॉलेज की। अब उसके लिए मैं आपको चैनल रेकमेंड करूंगा कि आप वहां से जाके सीख सकते हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनमें से किसी भी चैनल पर जाके सीख सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट वाला आपको रेकमेंड करूंगा। इस स्टेप बाय स्टेप जब आप सीख जाएंगे तो आप इससे इजीली पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा नहीं कहता, आप थोड़ा सीख कर अपने खर्चे निकाल सकते हैं, बाद में जैसे जैसे आपकी नॉलेज गेन होती जाएगी आप वैसे वैसे ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और कॉलेज टाइम में स्टूडेंट इजीली इन तीन आइडिया पे वर्क कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं जिसकी उनको कोई परेशानी नहीं होगी अपने स्टूडेंट लाइफ में भी। बट फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, कि आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा काम सूट करता है। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, आप नीचे कमेंट करें आपको किस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको बनाकर दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे।